हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र। एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम फुरक्रिया फोएटिडा, इस शानदार एवरग्रीन सकुलेंट प्लांट के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह क्राउन शेप्ड ब्यूटीफुल सकुलेंट फुरक्रिया फोएटिडा मूल रूप से एगेवेसी परिवार का प्लांट है, लेकिन अब यह एस्पर्गेसी परिवार का सदस्य बन गया है। ज़्यादातर इनके नेटिव्स में कैरेबियन के ग्वाडेलोप और मार्टिनिका से लेकर उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका के गयाना, ब्राज़ील, सुरीनाम और बोलिविया का प्रदेश आता है, जहाँ का यह फुरक्रिया मूल निवासी है। दोस्तों, यह फुरक्रिया रंगीन पत्तियों वाला सकुलेंट है। यह फुरक्रिया की वेरिएटेड रंगीन वैरायटी है। इनफैक्ट इस प्लांट का उच्चार हम फुरक्रिया के बजाय फरकेरिया ऐसा करते हैं। यह सकुलेंट एगेव कैटेगरी का एक नज़दीकी रिश्तेदार है। मॉरिशस हेम्प, जायंट क्यूबन ग्रीन अलोए, सिसल, मैगी, क्यूबन हेम्प, जायंट फेल्स अगेव, मेडियोप्टिका स्पोर्ट, एगेव फोएटिडा, ऐसे कई कॉमन नामों से इसे जाना जाता है। दोस्तों, वेरिएटेड और रंगीन चौड़ी पत्तियों वाला यह फुरक्रिया फोएटिडा सकुलेंट प्लांट लैंडस्केपिंग में ज़्यादातर रॉक गार्डन के लिए एक अट्रैक्टिव और बेहतरीन शानदार पौधा है। इस रंगीन एवरग्रीन सकुलेंट की पत्तियाँ जमीन की सतह से ऊपर तक एक क्राउन शेप में खुलती है। इस सकुलेंट बुश को आधार के लिए बीच में कोई ट्रंक नहीं होता, यह इस सकुलेंट की एक खासियत है। बहुत से पौधों के कैटेगरी में नीचे के पत्ते रिमूव होते होते साथ में एक ट्रंक आकार लेने लगता है, लेकिन इस अगेविया सकुलेंट का उसके जीवन के अंत तक कोई ट्रंक नहीं बनता। बिना किसी ट्रंक के अपने वेरिएटेड पर्ण समूह के साथ यह परिपक्व पौधे के रूप में 6 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ता है। जनरली मिट्टी में स्थित न्यूट्रिशन पर इसकी ग्रोथ डिपेंड होती है। मेरी हाइट 5.5 फीट है और इस कंपैरिजन में इस पौधे की हाइट आप देख सकते हो। इसकी हाइट 6.5 या 7 फीट तक की हो सकती है। यह प्रक्रिया एक पूर्ण डेवलप्ड प्लांट की सीमा तक पहुँच चुका है। जहाँ यह 6 या 7 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ता है, वहाँ 7 से 10 फीट तक यह चौड़ाई में भी फैलता है। बड़े डेवलपर प्लांट में इसके 5 से 6 फुट लंबे लहरदार तलवार के आकार के पत्ते होते हैं। हर पत्ते के अंतिम छोर पर इस तरह ब्लैक कलर का एक नुकीला कांटा होता है, जो सीधा होता है। इसकी चौड़े पत्तों के दोनों साइड में भी अर्धवक्र इस तरह के कांटे होते हैं। इनके चौड़ी पत्तियों में प्रमुख तौर से कोई रीड नहीं होती। एक डेवलपर प्लांट में इनके पत्तों की चौड़ाई 9 इंच से लेकर 1 फीट तक पहुँच जाती है। इनकी चौड़ी पत्तियों का पीला से सफ़ेद और गहरे हरे रंग का कॉम्बिनेशन बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। इसका क्राउन शेप और बड़े चौड़े चमकदार पत्ते दूर से ही इनकी तरफ अपना ध्यान खींच लेते हैं। दोस्तों, यह फुरक्रिया फोएटिडा प्लांट ज़्यादातर फुल सनलाइट में अच्छी ग्रोथ करता है, साथ में पार्शियल शेड में भी वेल सर्वाइव करता है। अब यह फुरक्रिया फोएटिडा प्लांट आपके सामने है, जो टोटली आउटडोर में सीधे फुल सनलाइट के नीचे वेल सर्वाइव करते करते एक डेवलप्ड प्लांट की सीमा तक पहुंच गया है। यह तकरीबन 9 से 10 साल का पौधा है और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ की अंतिम अवस्था की तरफ बढ़ रहा है। लोकेशन की बात की जाए तो मेरे वीडियोस में मैं सीधे सूरज की रोशनी में पनपने वाले पौधों के लिए सनी डायरेक्शन का हमेशा जिक्र करता हूँ। इस प्लांट के लिए भी पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध के सब ट्रॉपिकल जोन में साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। घर की बालकनी की या विंडो व्हील्स की इस डायरेक्शन की जगह इस प्लांट के लिए परफेक्ट लोकेशन है। यह प्लांट 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में अपनी अच्छी ग्रोथ करता है। दोस्तों, इस फुरक्रिया की वाटरिंग नीड बहुत ही नॉर्मल या लो होती है। यह सकुलेंट कैटेगरी में आने वाला प्लांट है, इसलिए इसे केयरफुली वाटरिंग करनी होती है। नेचुरली सकुलेंट्स की सर्वाइव करने की नेचुरल मेथड अपनी पत्तियों में पानी संग्रहित करने की होती है, जो अत्यधिक सूखे की अवस्था में भी यह कुदरती तकनीक इन्हें जिंदा रखने में मदद करती है। इसलिए ओवरहेड वाटरिंग इनकी जड़ों में या रूट्स में सड़न पैदा कर सकती है, जो पौधे के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए एक बार पानी देने के बाद मिट्टी पूरी तरह से सूखने पर ही दोबारा इनको वाटरिंग करनी चाहिए। दोस्तों, शुरुआती दिनों में जब प्लांट छोटा होता है, तब इसे कम से कम 16 इंच के पॉट या गमले में लगाकर छोटी जगह में भी हमारे कलरफुल प्लांट गैलरी में दूसरे पौधों के साथ इस फुरक्रिया के खूबसूरत रंगीन पत्तियों का हम आनंद ले सकते हैं। वैसे भी इसकी ग्रोथ स्लो होती है,
लेकिन पूर्ण पोषण मिलने पर यह प्लांट 6 से 7 फीट तक बढ़ता है और साथ में 8 से 10 फीट तक चौड़ाई में फैलता है। इसलिए हमारे घर के गार्डन में बड़ी या खुली जगह ना हो तो शुरुआती दिनों में लगाए हुए पॉट से इस पौधे को बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र या रिपॉट करना पड़ेगा। ज़्यादातर फर्कर या सकुलेंट प्लांट इस तरह गार्डन के बीचों बीच लॉन में या फिर लैंडस्केपिंग में रॉक गार्डन में अच्छा प्रदर्शन करता है। लेकिन शुरुआती दिनों में भी हमारे घर के रंगीन प्लांट गैलरी में बहुत दिनों तक सुंदर लुभावना सदस्यत्व भी निभाता है। इसके इर्द गिर्द कलरफुल पेबल्स बिछाकर इसके सौंदर्य में हम अनोखी वृद्धि कर सकते हैं। बस पॉट्स या कंटेनर में लगाते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि इसकी मिट्टी पोरस या वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरली यह कम पानी में सर्वाइव करने वाली प्रजाति है। इसलिए एक्सेस वाटर अच्छी तरह से ड्रेन आउट होकर गमले या कंटेनर से निकल जाना चाहिए। यह पौधा बहुत लो मेंटेनेंस के साथ अपना अच्छा विकास करता है। ज़्यादातर जैविक खाद और बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइजर देने से यह अच्छी तरह से फलता फूलता है। दोस्तों, फर्किया प्रजाति ज़्यादातर आदर्श ग्राउंड कवर होती है, जो मिट्टी को पकड़ने में काफ़ी मददगार होती है। बड़े ढलान के किनारे अगर इस प्रजाति का प्लांटेशन किया जाए तो पानी के बहाव से कटकर बहने वाली मिट्टी को यह रोक देते हैं। दोस्तों, इस फुर्किया फोएटिडा प्लांट का जीवन काल 10 से 12 साल का होता है। 10 या 12 साल के परिपक्व आकार तक बढ़ने के बाद यह फुर्किया लगभग 20 फीट ऊंचाई तक बड़ी लंबी हरी सफ़ेद मलाईदार सुगंधी फूलों वाली डंठल पैदा करता है। इनके सुगंधित हरे सफ़ेद फूल बीज को आकर्षित करते हैं। आमतौर पर यह इसका फूलना एक ही बार होता है, क्योंकि मूलतः यह मोनोकार्पिक टाइप के पौधे होते हैं जो बिना फूल के कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। और जब फूल आने का समय होता है उस दौरान अपनी सारी ऊर्जा यह प्लांट फूलने में खर्च कर देते हैं और फूल आने के एक साल बाद यह प्लांट मर जाता है। दोस्तों, कुदरत ने हर पौधे के हर जीव के निर्माण विधि के नींव में उनके जीवन काल की विविधताएँ छुपाई है और यही बायोडाइवर्सिटी नेचर को एंडलेस बनाती है। दोस्तों, इस फुर्किया का प्रोपेगेशन हम इनके मदर प्लांट के पास जो छोटे छोटे शूट्स निकल आते हैं उनसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। इनके बड़े पौधे अक्सर बड़ी संख्या में कंद पैदा करते हैं जिससे नए पौधे विकसित होते हैं। उन छोटे शूट्स को निकालकर हम इन्हें सीधे पॉट में या फिर ज़मीन में लगा सकते हैं। इस प्लांट्स के शूट्स को हम पूरे साल भर कभी भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इस फुर्किया के बहुत से मेडिसिनल यूज़ भी पाए गए हैं। एक रिसर्च के अनुसार इसकी जड़ों को कुछ औषधि तत्वों की वजह से रक्त शुद्ध करने वाले टॉनिक में इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, इस फुर्किया फोएटिडा की सुंदरता, लैंडस्केपिंग में इसका योगदान और हमेशा एक लंबे समय तक बरकरार रहने वाली इसकी रंगीन खूबसूरती को कभी नकारा नहीं जा सकता। कुदरत ने हर पौधे को किसी न किसी रंग रूप में बेहतरीन तरीके से सजाया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।